चले अनु तुम अंदर चलो हम आते हैं। ओके पापा। तुमने अपने दोस्त से जो बोला था वो उसने उसे बोल दिया। आप भी आ जाइए पापा कहा तो फादर बनकर आ गया। जैसे एक फ्रेंड बनकर तुम्हें सपोर्ट करना मेरी जिम्मेदारी है वैसे ही बेटी की रक्षा करना एक बाप की जिम्मेदारी है। पापा? बेटी बुला रही है। एक्सक्यूज मी ऑर्डर ले लीजिए। कहिए मैडम। तीन सूप ओके एक चिकन बिरयानी दो वेज बिरयानी ओके मैम। पापा मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। हाँ जाओ बेटी। ओके अन्नू के साथ मुझे बातें करनी थी आप क्यों आए नहीं आना चाहिए। तेरी समझ में नहीं आया मेरी बेटी को गुंडों के साथ जाना पसंद नहीं। बाप बनकर नहीं दोस्त बनकर बोलिए। जब लड़की को ही लड़का पसंद नहीं आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ बाकी तुम्हारी किस्मत। अरे सुनना मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसे लेकर रेस्टोरेंट में आया हूँ लेकिन उसका बाप भी पीछे पीछे चिपक कर आ गया ऐसे में तू क्या करेगा। मैं क्या करता फोन आया है कहकर बाहर चला जाऊंगा। तुम दोनों के बात करने के बाद कॉल करोगे तो वापस आ जाऊंगा। फ्रेंड ऐसा करते हैं गलत है। वो आ रही है। पापा किसका फोन है। फ्रेंड का फोन होगा। हाँ बेटा फ्रेंड है अभी अभी बना है पका रहा है बात करके आता हूँ। क्या हुआ। फेसबुक पर एक जोक पढ़ रही थी। हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हो। पापा भी यही कहते हैं। पापा क्या कोई भी यही कहेगा बिकॉज इट्स फैक्ट। वैसे ड्रेस काफी अच्छी है पापा ने सेलेक्ट की है। होटल भी अच्छा है। पहली बार पापा के साथ आई हर बात में पापा 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 ने ये दिलाया पापा ने ये करवाया हर बात में पापा पापा रट लगा रखी। शादी होने तक हर लड़की के पापा ही उसके बॉयफ्रेंड होते हैं। शॉपिंग उनके साथ करते हैं फिल्म उनके साथ देखते हैं हॉलीडेज पर भी उन्हीं के साथ जाते हैं। शादी के बाद लड़की की जिंदगी माँ बनने के बाद अच्छी होती है और शादी से पहले लड़की की जिंदगी पापा की वजह से अच्छी होती है। ये सारी बकवास सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है क्योंकि लड़की की लाइफ में जब प्रॉब्लम आती है तो जान देकर बचाने वाला सिर्फ लवर होता है। ठीक कहा लड़की को प्रॉब्लम से बचाने वाले को ही लवर कहते हैं और उस लव करने वाले को ही तो पापा कहते हैं। लगता है ये बाप बेटी मिलकर मुझे मार डालेंगे। आजा दोस्त खाना खाते हैं। क्या कह रहे थे आपके फ्रेंड। मना करने के बावजूद बिजनेस कर रहा है अब देखो कितना रो रहा है। कौन सा बिजनेस पापा। कॉटन बिजनेस रुई का व्यापारी। चूहे का बिल समझकर सांप के बिल में हाथ डाल दिया। अब भूख लगी खाना खाएं। खाने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सॉरी सर